जिस जेल में हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्रूर अंग्रेज अफसरों की यातनाएं सही हैं, अब वो जेल तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाएगी। हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की, जो काला पानी के नाम से भी बदनाम रही है। इस जेल में न जाने कितने ही देशभक्तों ने अपनी जान गंवाई। अब एमपी गवर्नमेंट शहीदों की याद को ताजा करने वाले इस प्लेस की सैर सरकारी खर्च पर करवाएगी। ऑक्टोपस के आकार की इस जेल का निर्माण कार्य 1896 से 1906 तक चला। इसे 7 खंडों में बनाया गया था, पर अब सिर्फ 3 खंड ही बचे हैं। इस जेल में करीब 700 सेल बनी हुई थी। एक सेल में एक ही कैदी को रखा जाता था, ताकि कैदी एक दूसरे से न मिल सके। एक बार इस जेल से 200 कैदियों ने भागने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाए। जेल के सुपरिटेंडेंट डेविड बेरी ने 84 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया और कई कैदियों को मारकर समुद्र में फेंक दिया। इस जेल में कैदियों को अकेलेपन का एहसास करवाया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। वीर सावरकर जैसे कई क्रांतिकारी इस जेल में रहे हैं, और अब एमपी गवर्नमेंट इस जेल की सैर मुफ्त करवाएगी, ताकि लोग उन शहीदों के त्याग और बलिदान को समझ सके। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।